कोटड़ा पुलिस ने हडमत ग्रामीणों की रिपोर्ट पर 11 जनों को किया नामजद, अनुसंधान किया जारी। कोटड़ा सीआई गोविंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सुरक्षा की मांग को लेकर हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे पीड़ित कोटड़ा थाने, जहां हडमत गांव में रोज रात को आरोपियों द्वारा लूट व जान से मारने का इन्हें खतरा बताया गया कि नयावास गांव के हडमत में ग्रामीण हथियारों से लैस होकर ससुराल पक्ष के परिवारों पर हमला कर रहे, जिससे परेशान होकर ससुराल पक्ष के लोग डरे हुए समय हुए हथियारों से लैस होकर कोटड़ा थाना पहुंचे। ससुराल पक्ष के करीब 70 परिवार कोटड़ा थाना में सुरक्षा की मांग कर को लेकर पहुंचे, जिस पर कोटड़ा थाना पुलिस ने ग्रामीणों की रिपोर्ट पर 11 आरोपियों को नामजद कर अनुसंधान किया प्रारंभ। साथ ही पूर्व में कोटड़ा के नयावास के हडमत में नदी में युवक का शव मिलने पर उसके परिवारजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मांग की थी। करीब 3 दिन चले मोताने की मांग को लेकर 9,50,000 में हुआ था समझौता। 1,50,000 रुपये दे दिए और रात दिन हमारे को परेशानी है और पंचों ने जो नेकी किया है उस तारीख को हम पैसे से देने के लिए तैयार हैं और देते रहेंगे। ये समाज ने फैसला किया है और तो रात दिन हमारे को कोई चल नहीं सकते, खेतों में काम नहीं कर सकते हैं, कोई रात को आकर के फायरिंग करते हैं, कोई तलवार मारते हैं, रात दिन परेशानी है। 10-15 घर तो छोड़े गए हैं, गुजरात चले गए हैं, बकरी हर कोई जंगल में भी ले जा सकते हैं, बस खेतों में भी काम नहीं कर सकते हैं। इसी परेशानी से ही हम आज थाने पे आए हैं। इस तकलीफ से हमने थाने रिपोर्ट पेश की है। पानी के अंदर डूब के मर गए, इसके हमने 9,50,000 रुपये समाज देते किए थे। मोताना के 9,50,000 पानी के डूब के मर गया है, 9,50,000 रुपये कह रहा है तो रात दिन परेशान कर रहे हैं, तलवार मारे, कोई पत्थर मारे, फायरिंग करे। नदी में मौत होकर रेशमा पिता देवा मृत्यु हुई थी, उसके लिए सामाजिक फैसले पर 9,50,000 रुपये पंचों द्वारा तय किए गए थे, उसमें से 1,50,000 रुपये दिए गए हैं और 8,00,000 रुपये पंचों द्वारा देने के लिए तारीख तय की गई है। और वो लोग बार बार हमारे घरों पर चढ़तरा करके आते हैं और रात को लूटपाट किया जा रहा है और लोग रात्रि के समय में सो नहीं सकते हैं और लोग हमेशा के लिए उजगारा में पड़े हुए हैं। घबराहट के दौरे पर घरों छोड़कर कई 20 या 15 लोग मकान छोड़कर चले गए हैं। इसकी सूचना हमने पुलिस थाना कोटड़ा में भी पूर्वी में भी 28-8-2020 को दे चुके हैं। तो रात्रि के समय में और लोग लालू पिता नाथा के घर पर घुसकर एक हवाई फायरिंग की और की गई थी और एक बच्ची को पत्थर लगा था और एक दूसरा पत्थर पीठ पर लगा था। इसकी सूचना हम आज पुलिस थाना कोटड़ा की सेवा में देने के लिए आए हैं और रात को फोन की तब थाना अधिकारी जी भी मौके पर भी आए हुए थे। तो भी पत्थर डाले थे, तो भी पत्थराव किए जा रहे हैं।